सुप्रभातम् सर्वेषां मनीषिणां कृते छात्राणां कृते च मैं आज समाज पर अपना वक्तव्य रखना चाहूंगा। आप सभी छात्र एवं मनीषीगण उसमें जो भी तथ्यात्मक तथ्य हैं उन सबको ध्यान से सुनेंगे एवं यथासमय मेरे व्याख्यान के पश्चात आपका जो भी प्रश्न होगा उसे आप पूछ सकेंगे। अस्तु, समास संस्कृत में दो चीजों को बहुत कठिन माना जाता है, एक तो समास को और दूसरा संधियों को। समास और संधि ये दोनों मेरी दृष्टि में एक बड़ी खाई के समान है तो दूसरा कंटीले भयंकर जंगल के समान है। इस विषय में पंडित भीमसेन शास्त्री जिन्होंने भैमी व्याख्या लघु सिद्धांत कौमुदी पर लिखी है, उन्होंने कहा है कि संधि और समास ये दो संस्कृत भाषा रूपी दुर्ग की बाह्य परिखाएं हैं। बिना इनको लांघे किसी को भी संस्कृत भाषा की गरिमा ठीक तरह से विदित नहीं हो सकती। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि संधियां और समास ये दो चीजें संस्कृत व्याकरण को दुर्ग बनाती हैं, लेकिन दुरु होने के साथ साथ इन दोनों का जो संस्कृत भाषा के अंदर महत्व है अन्य भाषाओं की तुलना करते हैं तब वहां उसका एक अलग से जो महत्व प्रकट होता है उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो समास शब्द है उस समास शब्द को अगर हम लें तो उसका सामान्य अर्थ होता है संक्षेप या एक साथ रखना। और ये संक्षेप कैसे होता है, विभक्तियों के न होने से संक्षेप होता है या कोई अन्य ही कारण होता है जिसको हम संक्षेप कहेंगे। वस्तुतः है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु को घय प्रत्यय करने पर जो कि भाव में होता है समास शब्द की सिद्धि होती है। क्योंकि घय में जो यकार है उसकी हरंतिम सूत्र से संज्ञा पर तस्य लोपः से लोप हो जाता है और जो घकार है उसकी लशक को तद्धिते से संज्ञा और तस्य लोपः से उसका भी लोप हो जाता है। अकार मात्र बचता है यह घित और यित है। यित होने के कारण से अत उपधाया सूत्र के द्वारा इसकी उपधा को वृद्धि आदेश हो जाता है। अतस्मात अस का जो अकार है उसको आ आदेश होने पर सम आस अ ये स्थिति हो जाती है और इन सबको मिलाने पर समास प्रातिपदिक बनता है। इस समास प्रातिपदिक को एक वचन की विवक्षा में जब हम सुप्रत्यय स्वसमोर सूत्र से प्रदान करते हैं तो समास सुस्थिति बनती है। और सु के अंदर जो उकार है उसकी भी उपदेश है अजन्मवासिक सूत्र से संज्ञा और तस्य लोपे से लोप होने पर जो सकार अवशिष्ट होता है उसको भी ससंसो रू के द्वारा रू आदेश होता है और रू में भी जो ऊ है उसकी उपदेश है अजन्मनाशिक सूत्र से संज्ञा और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाता है तो पुनः वहां पर रेफ मात्र अवशिष्ट रहता है अर्थात समासर। अब इस रेफ को
अवसान संज्ञा होने पर खर्वसान और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा उसको विसर्ग आदेश हो जाता है और उसे हम समास इस प्रकार से बोलते हैं। तो यह समास पद है जो कि घयंत है, इसका अर्थ होता है संक्षेप। समास का यह संक्षेप कैसा संक्षेप है, इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने भी कहा है और सिद्धांत कौमुदीकार ने भी कहा है, समसनम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है इसके पर्यायवाची के रूप में। तत्र समसनम समासः, अर्थात जो संक्षेप होता है उसको ही हम समास कहते हैं। यह प्रश्न उठता है कि संक्षेप कैसे होता है, तो कहा जाता है कि संक्षेप जहां पर जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाने पर संक्षेप की स्थिति बनती है। उदाहरण के तौर पर जैसे राम है च कृष्ण है च इति राम कृष्णौ, इन दोनों शब्दों को मिलाने पर राम कृष्णौ बन गया, अर्थात राम सु कृष्ण सु इस प्रकार की स्थिति होने पर वहां पर समास की प्राप्ति होती है और समास की प्राप्ति होने के पश्चात उनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है प्रातिपदिक संज्ञा होने पर। तत्पश्चात वे दोनों जो पद है वे दोनों मिलकर के एक पद बन जाते हैं, विभक्तियों का लोप होने के कारण से वहां पर संक्षेप हो जाता है। लेकिन केवल विभक्तियों का लोप होने से ही समास का संक्षेप माना जाए यह भी कुछ ठीक नहीं लगता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि पदानाम लुप्यते यत्र प्रायः स्वास्वः विभक्तयः पुनः एक पदी भाव है समास उच्यते तदा, अर्थात जहां पर जो पद होते हैं उन पदों की जो विभक्तियां होती हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाने पर जो संक्षेप होता है वह संक्षेप तो होता ही है, लेकिन वहां पर वास्तव में संक्षेप तो अनेक पदों का एक पद बन जाने पर ही होता है। अतस्मात यह कहा जा सकता है कि समास का संक्षेप वास्तविक संक्षेप वह है जहां पर विभक्तियों के लोप के साथ में अनेक पदों का एक पद बन जाना हो, यह वास्तव में समास का संक्षेप कहलाता है। इसलिए इसको समसन या समास या संक्षेप इन शब्दों से कहा जाता है। वैयाकरण संक्षेप में कहने की हमारी यहां पर परंपरा रही है और संक्षेप में कहना बहुत अच्छा माना जाता है। वैयाकरण लोग तो उत्सव मनाते हैं, एक मात्रा का भी अगर लाघव वे कर देते हैं अपने कथन के अंदर तो वे उत्सव की तरह उसको मनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अर्धमात्रा लाघवे ने पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणः, आधी मात्रा का भी अगर संक्षेप कर लिया जाता है तो जो वैयाकरण होते हैं वो उसका पुत्र के उत्सव के समान उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि समास को हम संक्षेप क्यों कहते हैं, उसकी संक्षिप्तता वास्तव में कहां निहित होती है। यह जो समास है वह कतिधा होता है, कितने प्रकार का होता है। आचार्य वरदराज ने भी लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण के प्रारंभ में यही प्रश्न किया है, समास है कतिधा, समास कितने प्रकार का होता है, तो उन्होंने स्वयं ने उत्तर दिया है कि समास है पंचधा, कि समास पांच प्रकार का होता है। वास्तव में यहां हमारे संस्कृत समास के अंदर यह एक कथन सा हो गया है कि समास छह प्रकार का होता है, वास्तव में वह कथन ठीक नहीं है। मूल रूप में समास पांच प्रकार का ही होता है, इसीलिए उन्होंने यहां पर कहा है कि समास है पंचधा। अगर कोई छह प्रकार का समास मानता है, कोई इससे अधिक मानता है या इससे कोई कम मानता है तो वे सब के सब गलत हैं। वास्तव में समास पांच प्रकार का ही होता है मूल रूप में। फिर भेदों भेद करेंगे तो उसके अनेक भेद हो जाएंगे, सबके अलग अलग भेद हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप में समास पांच प्रकार का ही होता है। और ये पांच प्रकार कौन है, इसलिए कहा है कि केवल समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समासश्चेति समास है पंचधा। इस प्रकार से समास पांच प्रकार का हो जाता है। इसके लिए कारिका है, केवलस्ताव्ययी भावो द्वंद्वस् तत्पुरुषस् तथा बहुव्रीहिश्च विज्ञेयः समास है पंचधा बुधेहि। इस प्रकार से विद्वान लोगों ने समास को पांच प्रकार का माना है, अर्थात केवल समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। इसका जो क्रम है
पहले उस सिद्धांत कौमदी के अनुसार ही माना जाना चाहिए। केवल समास पहला है, अव्यय भाव समास द्वितीय है, तत्पुरुष समास तृतीय है, भविष्य समास को चतुर्थ समास के रूप में माना गया है और अंतिम और पंचम समास के रूप में द्वंद्व समास को स्वीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से हम अगर ये कहें कि समास कितने प्रकार का होता है तो हमें यही उत्तर देना चाहिए कि समास 5 प्रकार का होता है। वास्तव में कई द्विगु को और कर्मधारय को इनको भी अलग प्रकार का समास मान करके समास को 6 प्रकार का मान लेते हैं और केवल समास को भी स्वीकृत ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में समास मूल रूप में 5 प्रकार का ही होता है। तो यह जो समास है इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा हम यह पूछें कि समास किस प्रकार के शब्दों में होता है, तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है कि समर्था है पद विधि, पदानाम विधि समर्थाश्रिता बोध्य। समास में जिन पदों का समास होता है वह समास हर पदों के अंदर किसी भी पद के साथ में किसी भी पद का समास हो जाए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक पद के साथ में किसी भी पद का समास हो जाए यह गलत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि समर्था है पद विधि, जो समास है वह एक पद विधि है, इसलिए उसको समासाश्रित कहा जाता है। अर्थात समर्था पद विधि का अर्थ क्या है, तो यह कहा जाना चाहिए कि समर्थ सुबंध पद के साथ में किसी समर्थ सुबंध पद का ही समास होता है। अर्थात जो सुबंध पद है उसके साथ में ही सुबंध पद का समास होता है। यद्यपि वैदिक व्याकरण के अंदर सुबंध पदों के साथ में तिङन्तों का भी समास देखा जाता है, लेकिन लौकिक संस्कृत के अंदर जो समास है बस सुबंध पदों के साथ में सुबंध पदों का ही पाया जाता है। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि जो पद है उन पदों के अंदर समास होने की सामर्थ्य होनी चाहिए, और वह सामर्थ्य पदों के अंदर होता है, लेकिन वह सामर्थ्य दो प्रकार का होता है। एक सामर्थ्य होता है एकार्थी भाव सामर्थ्य, और दूसरा जो सामर्थ्य होता है उसको कहते हैं व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। ये दो प्रकार के जो सामर्थ्य हैं, इन दोनों में से कौन सा सामर्थ्य समास के अंदर अपेक्षित होता है, किन पदों के अंदर कौन सा सामर्थ्य होना चाहिए, तो हम सबसे पहले इन दोनों सामर्थ्यों को ही समझ लें कि एकार्थी भाव सामर्थ्य क्या है और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य क्या है। एकार्थी भाव सामर्थ्य के लिए कहा जाता है कि अलग अलग अर्थों वाले पदों में समुदाय शक्ति से एकार्थ की उपस्थिति द्वारा घृत में मिश्रित तेल के समान या दूध में मिले जल के समान विशेषण भाव के रूप में मिश्रित अर्थ को बताने वाली शक्ति का नाम एकार्थी भाव होता है। अर्थात समुदाय रूप में जो पद हैं एक समस्त पद के एक पद बन जाते हैं और समुदाय के रूप में ही अर्थ को वहां पर उपस्थित करते हैं। पृथक पृथक पदों के पृथक पृथक अर्थों को वहां पर उपस्थित नहीं किया जाता है, इसी को ही एकार्थी भाव सामर्थ्य कहा जाता है। यह समास के अंदर होना जरूरी होता है। और यह जो सामर्थ्य है वास्तव में समास जैसी वृत्ति में ही रहता है। वृत्तियां वैसे मूल रूप में 5 प्रकार की वृत्तियां मानी जाती है, समास भी एक वृत्ति है। उनमें वह 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। एक कृदंत, दूसरी तद्धितांत, तीसरी समास, चौथी एक शेष, और अंतिम और पंचम जो वृत्ति है वह सनाद्यंत धातु। इस प्रकार से 5 प्रकार की ये वृत्तियां हैं। ये सारी की सारी वृत्तियां समुदाय रूप में ही अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती हैं, इसलिए इन सब के अंदर एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि समास के अंदर चूंकि वह वृत्ति है इसलिए वहां पर एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। इसके लिए कहा भी है कि स्वार्थ पर्यवसाय नाम पदानाम विशिष्ट एकार्थोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भावत्वम, अतः समास के अंदर एकार्थी भाव सामर्थ्य का होना जरूरी होता है। फिर ये व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर हमें समझ लेना चाहिए कि अपने अपने अर्थों को बताने वाले जितने भी जो पद हैं उन पदों का आकांक्षा योग्यता और आसक्ति से युक्त होने पर जो पारस्परिक संबंध बनता है उसी संबंध को हम व्यपेक्षा भाव संबंध कहते हैं। हमने
साहित्य दर्पण को भी पढ़ा है, वह भी ऐसा कहा है कि वाक्य क्या है, तो कहा है कि योग्यता आकांक्षा असत्य युक्त है पदोच्चय वाक्यम। जिन पदों के अंदर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि ये तीनों रहते हैं, उन पदों के अंदर विपेक्षा भाव संबंध होता है और ऐसा संबंध जहां पर होता है उसको ही वास्तव में व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य कहा जाता है। इसके कारण से जो पद है, अलग अलग प्रकार के जो पद है, वे पद अपने अपने अर्थों को प्रकट करने में समर्थ होते हैं और उनमें वो समर्थ संबंध बनता है, उस संबंध को विशेष विशेषण भाव संबंध कहा जाता है। इसी प्रकार से ये जो अलग अलग आकांक्षा का मतलब क्या है, योग्यता क्या है, आसक्ति क्या है, इनको भी थोड़ा संक्षेप में समझ लेना चाहिए। आकांक्षा का मतलब होता है एक पद के अभाव में दूसरे पद को उसकी आकांक्षा या उसकी इच्छा होना। जैसे मैंने कहा कि दहती, तो एक आकांक्षा होती है, एक इच्छा होती है कि केन दहती, इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होता है, अर्थात दूसरे पद की आवश्यकता है उसको, जो उसके साथ में होना चाहिए, उसकी आकांक्षा है उसको। फिर हम कहते हैं कि अग्निना दहती, तो वहां पर वो आकांक्षा पूरी हो जाती है। हमने केवल इतना कह दिया अग्निना, अग्निना किम कर्तुम इच्छति भवान, आप आग से क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार की वहां पर एक आकांक्षा रहती है, अर्थात दूसरे पद की वहां पर इच्छा रहती है। यह आकांक्षा दोनों पदों के अंदर होना जरूरी होता है, तभी वह पदों का समूह वाक्य कहलाता है। इसलिए आकांक्षा का मतलब यह हुआ कि एक पदों का जो समूह है, उस समूह के प्रत्येक शब्द के अंदर परस्पर इस प्रकार की आकांक्षा एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, अन्यथा वह पदों का समूह वाक्य कहलाने के योग्य ही नहीं होगा। इसी प्रकार से योग्यता, इसका मतलब क्या है, तो इसको ऐसे समझना चाहिए, मैंने कह दिया कि अग्निना सिंचती, आग से सिंचाई करता है, तो वस्तुतः है आग में सिंचाई करने की योग्यता है ही नहीं, सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए इस प्रकार के पद का चयन करना चाहिए जिसमें उस प्रकार के अर्थ को प्रकट करने की योग्यता हो। योग्यता के अभाव में योग्य से भाव है योग्यता, योग्य होने का भाव ही योग्यता कहलाती, भाववाचक शब्द है। इसलिए यहां पर वाक्य के जो शब्द हैं, पद हैं, उन पदों के अंदर योग्य अर्थ को प्रकट करने की योग्यता भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से आसक्ति यानी निकटता या समीपता का होना भी बहुत जरूरी होता है, उसके बिना भी व्यपेक्षा भाव बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आसक्ति का मतलब होता है निकटता, अर्थात एक वाक्य के जितने भी शब्द हैं, पद हैं, उन पदों को एक प्रवाह के साथ में बोलना चाहिए। अगर हम प्रवाह के साथ में उन पदों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो वह पदों का समूह भी वाक्य नहीं कहलाएगा। अर्थात जैसे मैंने कहा अग्निना दहती, अग्निना को तो मैं अभी कहता हूं, अभी बोलता हूं, और जो दहती है उस पद को मैं कल कहता हूं या दो घंटे के बाद में बोलता हूं, तो इन दोनों पदों के अंदर आसक्ति नहीं होगी, अर्थात समीपता नहीं होगी, निकटता नहीं होगी। यह निकटता न होने के कारण से भी वहां पर पदों का वह जो समुदाय है उसके अंदर परस्पर वाक्य के अर्थ को प्रकट करने की क्षमता उपस्थित नहीं होगी। इसलिए एक वाक्य के अंदर आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, इन तीनों का होना बहुत जरूरी होता है। इन तीनों के होने पर ही व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य बनता है, उसके कारण से वाक्य अपने अर्थ को प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। लेकिन यहां पर प्रत्येक पद जो है पृथक पृथक रूप से अपने अपने अर्थों को प्रकट करके और वाक्य के अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, और यह सब आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण से वहां पर संभव होता है, अर्थात इसी से वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। अगर ये तीनों चीजें न हो, व्यपेक्षा भाव का अभाव होगा और इस सामर्थ्य के अभाव के कारण से वाक्यार्थ बोध वहां पर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि स्वार्थ पर्यवसाय नाम पदानाम आकांक्षादि वसाध्या परस्पर संबंध सा व्यपेक्षा, इस प्रकार से समास में एकार्थी भाव रूप जो सामर्थ्य होता है वह होता है, और वाक्य के अंदर जो सामर्थ्य होता है उसको हम व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। ये जो समास है, इस समास को जब हम करते हैं तो वहां पर दो प्रकार के शब्दों का प्रचलन हमारे सामने आता है, एक तो समास, दूसरा समास विग्रह। तो हमें यह पता होना चाहिए कि
कि विग्रह क्या है। समाज को तो हमने समझ लिया कि समाज इसे कहते हैं, लेकिन विग्रह क्या है, तो उसको समझने के लिए वृत्ति के अंदर भट्टोजी दीक्षित ने भी कहा है और आचार्य वरदराज ने भी कहा है कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का अवबोध कराने वाले वाक्य को ही विग्रह कहा जाता है। अर्थात एक जो समास होता है उस समास को जब हम वाक्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं तो वह वाक्य ही वास्तव में वृत्ति कहलाता है, उस वाक्य को ही वृत्ति कहा जाता है और यह वृद्धि विग्रह कहा जाता है। और यह विग्रह दो प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह तथा दूसरा अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह वास्तव में वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला होता है और क्योंकि उसका लोक में प्रयोग होता है इसलिए वह लौकिक विग्रह कहलाता है। तो मैं इन दोनों विग्रहों के बारे में भी बताना चाहूंगा कि लौकिक विग्रह क्या है, जिसको सामान्य जनता बोले, सामान्य पुरुष समझे, सामान्य लोग जिसका प्रयोग करते हैं वह लौकिक विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए राज पुरुष है, यह समास है अर्थात समस्त पद है, इसका हम जब विग्रह करेंगे, अर्थात विग्रह का मतलब क्या हुआ, वृत्ति के अर्थ को बताने वाला जो वाक्य है उसको जब हम बोलेंगे तो वह वाक्य क्या होगा, वह वाक्य होगा राज्ञा पुरुष है थी, राजा का पुरुष, यह कहलाता है विग्रह और इस विग्रह को हम कहते हैं लौकिक विग्रह है। इसी प्रकार से तत्पुरुष यह एक समस्त पद है, इस समस्त पद का भी जो विग्रह होगा वह क्या होगा, तस्य पुरुष इति तत्पुरुष। इन दोनों प्रकार के वाक्यों को सामान्य जनता पढ़ती है, बोलती है, समझती है, इसलिए इन दोनों वाक्यों को हम लौकिक विग्रह के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह, अर्थात जो लौकिक विग्रह नहीं है उसको हम अलौकिक विग्रह कहेंगे, न लौकिकम इति अलौकिकम, जो लौकिक नहीं है उसको हम अलौकिक कहेंगे। तो इस प्रकार का विग्रह जिसको सामान्य जनता नहीं समझती है उसको विशेष प्रकार के पुरुष ही समझते हैं, अर्थात जो वैयाकरण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वे ही जिस विग्रह का प्रयोग करते हैं उस विग्रह को हम क्या कहते हैं, अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे अभी हमने दो लौकिक विग्रह किए, राज्ञ पुरुष और तस्य पुरुष, उनमें से राज्ञ पुरुष का अलौकिक विग्रह क्या होगा, तो वह है राजन गस पुरुष सु। इस प्रकार से ये दो जो शब्द है वो अलग अलग अपने विभक्तियों सहित वहां पर उपस्थित हो गए। लोक में ऐसा नहीं बोलते हैं, लोक में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि राजन गस पुरुष सु, लोग तो क्या कहता है, राज्ञ पुरुष, इस प्रकार का प्रयोग करता है, इसलिए वह लौकिक विग्रह है। लेकिन राजन गस पुरुष सु यह जो विग्रह है, इस विग्रह का सामान्य जनता प्रयोग नहीं करती है, न ही उनको समझ में आता है, उसका तो जो वैयाकरण होते हैं या जो विद्वान लोग होते हैं वे उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए वह अलौकिक विग्रह कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है तस्य पुरुष, यह जो लौकिक विग्रह, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, तत् गस पुरुष सु, यह अलौकिक विग्रह होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि लौकिक विग्रह क्या है और अलौकिक विग्रह क्या है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी था, तो ये दोनों हमने समझ ली। अब हम पुनः समास पर आते हैं कि वह समास जिसको आपने पांच प्रकार का बतलाया था, उन पांच प्रकार के समासों में जो पहला समास है जिसको हम कहते हैं केवल समास, वह केवल समास क्या है, केवल समास की परिभाषा क्या है, तो वह परिभाषा है कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम, केवल समास प्रथम है और केवल समास उस समास को कहते हैं जिसकी कोई विशेष प्रकार की संज्ञा नहीं होती, अर्थात वह समास जिसका कोई विशेष प्रकार का नाम नहीं है। जिस प्रकार से तत्पुरुष एक नाम है, बहुव्रीहि एक नाम है, द्वंद्व एक नाम है, अव्यय भाव एक नाम है, उस प्रकार से जिस समास का कोई नाम नहीं है उसको हम केवल समास इस प्रकार से कहेंगे, अर्थात वह केवल समास है, इसीलिए इसका नाम केवल समास कहा जाता है। तो यह जो केवल समास है वह कहां होता है, तो केवल समास, मैंने पहले ही आपको संकेत किया था कि केवल समास समर्थ सुबंत पदों में भी होता है और समर्थ सुबंत पद तथा समर्थ तिंगन पदों के साथ में भी होता है। लेकिन जो समर्थ सुबंत पद के साथ में
जो समर्थ तिङन्त पदों का समास होता है वह केवल और केवल वैदिक वाङ्मय के अंदर ही प्रयुक्त होता है, उसका लौकिक संस्कृत के अंदर प्रयोग नहीं होता है। अतः केवल समास में हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि लौकिक संस्कृत में तो सुबंत पद के साथ में सुबंत पद का ही समास होता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग होता रहता है। वह भी जो समर्थ सुबंत पद के साथ में समर्थ तिङन्त पद का समास होता है उसको भी हम केवल समास के अंतर्गत लेंगे। उसको चूंकि हम किसी विशेष संज्ञा में नहीं ले रहे हैं इसलिए वह केवल समास ही कहलाएगा, उसको हम केवल समास ही कहेंगे। अब केवल समास के लिए पहला सूत्र जो है वह है सह सुपा। इसमें सह तो अव्यय है और सुपा ये तृतीयांत पद है, अर्थात तृतीया विभक्ति का एक वजन का रूप है। इसको तृतीया विभक्ति क्यों प्राप्त हुई? सहयुक्त्या प्रधाने अथवा सह साकम सार्धम समम योगेपि। इन सूत्रों में जो सह है, इस सह के योग के कारण से यहां पर उसे संबद्ध जो सुप है उसको तृतीय विभक्ति का एक वजन का टाप प्रत्यय प्राप्त होकर के और सुपा यह पद बनता है। अर्थात सुपा का मतलब यहां पर क्या है? सुबंतेन, अर्थात सुबंतेन सह इति सह सुपा, अर्थात समर्थ सुबंत पद के साथ में किसी समर्थ सुबंत पद का ही समास होता है। इस प्रकार से सह सुपा सूत्र यहां पर समास की प्राप्ति करवाता है, और जो ही सह सुपा सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति होती है तो वहां पर समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक् समास की प्राप्ति होते ही सबसे पहले क्या काम होता है? वहां प्रातिपदिक संज्ञा होती है, फिर तद्धित समासास्य सूत्र के द्वारा उसको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है। जो ही प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा जो सुप होता है अर्थात सु औजस आदि जो भी है उनका वहां पर लोप प्राप्त हो जाता है, वे वहां पर फिर रह नहीं सकते। इस प्रकार सह सुपा सूत्र के द्वारा हमें यह मालूम हुआ कि यह समास केवल समास को प्राप्त करने वाला सूत्र है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं जो बड़ा प्रसिद्ध है, भूतपूर्व। भूतपूर्व शब्द का अलौकिक विग्रह क्या है और लौकिक विग्रह क्या है? लौकिक विग्रह है इसका पूर्वम भूता इति पूर्व भूता है, अर्थात पूर्वम भूता है इति, यह लौकिक विग्रह है। और इसका अलौकिक विग्रह हम करेंगे तो पूर्व अम भूत सु, इस प्रकार से यह इसका अलौकिक विग्रह बन जाएगा। जो ही पूर्व अम भूत सु इस प्रकार की अलौकिक स्थिति होती है तो वैयाकरण लोग उसको सह सुपा सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति करवा देते हैं, अर्थात सह सुपा सूत्र के द्वारा उनको समास की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि दोनों ही वहां पर सुबंत पद है, सुबंत पद होने के कारण से सह सुपा सूत्र के द्वारा वहां पर समास की प्राप्ति हो जाती है। जो ही समास की प्राप्ति होती है कृत तद्धित समासास्य सूत्र के द्वारा दोनों पदों को प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो जाती है, और प्रातिपदिक वही होता है जहां पर विभक्ति ना हो। आप सब जानते हैं दो सूत्र हैं जिनके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है, एक तो है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा है कृत तद्धित समासास्य। यहां पर कृत तद्धित समासास्य सूत्र के द्वारा ही प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होगी। तो जो ही कृत तद्धित समासास्य सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है वहां पर सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा जो सुप है अर्थात जो अम और सु है उन दोनों का लोप हो जाता है, उनका लुक हो जाता है। फिर यह प्रश्न उठता है कि भूत और पूर्व इन दोनों में से पहले किसको रखें, अर्थात पूर्व में निपात किसका हो और उत्तर निपात किसका हो या पर निपात किसका हो। तो यहां पर ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता, अथवा यो कहें कि अन्य समास के प्रकरणों में ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है जो इन दोनों पदों के लिए उपसंज्ञा आदि करके उनका पूर्व निपात करने वाला हो। अतस्मात हमें पाणिनि के अष्टाध्याय को तलाशना पड़ा और उसमें एक सूत्र मिला भूतपूर्व चरट। यह महर्षि पाणिनि का सूत्र है, उसमें उन्होंने स्वयं ने भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया है। तो उसको देखने पर उसे निर्देश मिला कि उन्होंने स्वयं ने जब भूतपूर्व पद में भूत शब्द को पहले रखा है और पूर्व पद को उत्तर पद के रूप में रखा है, इसलिए हमें भी यहां पर पूर्व शब्द को भूत शब्द को पहले रख लेना चाहिए और पूर्व पद को पर पद के रूप में उत्तर पद के रूप में उसका निपात कर देना चाहिए।
इसलिए भूतपूर्व सृष्ट के निर्देश से भूत का पूर्व में निपात हो गया। अब जो ही ये उसका पूर्व निपात हुआ, दोनों को मिला दिया, भूतपूर्व बना और पुनः इसकी एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से प्राकृतिक संज्ञा इसकी प्राप्त है, इसलिए यहां पर उसको सौसमण सूत्र के द्वारा सुप्रत्यय की प्राप्ति होकर के और उसका रुंत विसर्ग होकर के और भूतपूर्व इस प्रकार का समस्त पद बन जाता है, जो कि सहसुपा के द्वारा हमने प्राप्त किया है और इसको हम केवल समास का उदाहरण कहेंगे। इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं, लेकिन वैदिक उदाहरणों को ले तो दो प्रकार के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, एक तो पर्यभूषयत और दूसरा अनुव्यजलत। ये दोनों समर्थ सुबंध पद के साथ में तिगंत पद के उदाहरण हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते हैं, इसलिए यहां पर आपके लिए ये कोई काम के नहीं है, इसलिए यहां पर इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सहसुपा सूत्र के द्वारा हमें जो केवल समास की प्राप्ति हुई है और उसकी प्रक्रिया को हमने समझ लिया है, इसके अतिरिक्त भी हमें केवल समास प्रदान करने वाला एक सूत्र और है, वह सूत्र है इवेन समासो विभक्ति लोपश्च, अर्थात इव यह जो एक अव्यय है उसके साथ में सुबंध पद का समास होता है और वहां पर लगी जो विभक्ति है उसका भी लोप नहीं होता। अर्थात यह सूत्र दो काम करता है, एक तो इव शब्द के साथ में वहां पर समास की प्राप्ति करवाता है और दूसरा जिसके साथ में विभक्ति लगी हुई है उसकी जो विभक्ति है उसके लोप का लोप की जो प्राप्ति होती है उसका निषेध भी यह सूत्र कर देता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हमें समझना होगा। जैसे उदाहरण के लिए वागर्थौ इव, आपने महाकवि कालिदास का श्लोक पढ़ाई है, वागर्थाव इव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, वहां पर वागर्थाव इव इस समस्त पद का वहां पर प्रयोग किया गया है। तो वास्तव में वहां पर दो पद क्या है, वागर्थौ प्लस इव। तो वागर्थौ जो शब्द है उसमें विभक्ति लगी है, वाच से अर्थ है चाहिए वागर्थौ, वैसे द्वंद्व समास है उसमें, लेकिन द्वंद्व समास होने के बाद में जो वागर्थौ जो शब्द है उसके साथ में इव शब्द आ गया, यदि वागर्थ औ इव इस प्रकार की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में इवेन समासो विभक्ति रूपस्य सूत्र के द्वारा सबसे पहले इसको समास की प्राप्ति होती है और जो ही समास की प्राप्ति होती है तो कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र के द्वारा इसकी प्राकृतिक संज्ञा हो जाती है और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा उसके सुप का यानी औ का लोप प्राप्त होता है, लेकिन इसी सूत्र के द्वारा उसका निषेध हो जाता है, अर्थात विभक्ति का हमें लोप नहीं करना है, इवेन समासो विभक्ति रूपस्य इसी सूत्र के द्वारा, तो वैसी स्थिति बन जाती है। अब यहां पर हेतु यवायव सूत्र के द्वारा ओ को औ को आव आदेश होकर के वागर्थाव इव ये स्थिति बनती है और वकार में इव के इकार को मिलाकर के वागर्थाव इव इस प्रकार से हम इस शब्द को बना देते हैं। यह एक समस्त पद है जो कि वास्तव में ये केवल समास का उदाहरण है जो इव के साथ में हुआ है। इसी प्रकार से माता इव यह भी केवल समास का उदाहरण है क्योंकि इव के साथ में यह समास की प्राप्ति है और जिमूतस्य इव यह भी इव के साथ में समास हुआ है। माता इव में मातृ शब्द के साथ में सुप्रत्यय लगा है, प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय लगा हुआ है। तो वास्तव में यहां पर यह जो प्रत्यय है इसका लोप नहीं होगा और इव के कारण से यहां पर इवेन समासो विभक्ति लोपस्य सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसी प्रकार से जिमूतस्य इव यहां पर जिमूतस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है यानी जिमूत गस इव यह स्थिति है, तो यहां पर भी इवेन समासो विभक्ति लोपस्य सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, लेकिन उसका जो विभक्ति लोप प्राप्त होता है सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा उसका यह सूत्र निषेध कर देता है, इसलिए वह विभक्ति लोप नहीं हो पाएगा और समास करने पर जो शब्द सिद्ध होगा वह बनेगा जिमूतस्य इव, पर संधि कर देंगे तो जिमूतस्य एव, अर्थात आदगुणा सूत्र के द्वारा ए प्लस ई को गुण होकर के ए बन जाता है, वह यहां पर रूप बन करके बन जाएगा जिमूतस्य एव। इस प्रकार से ये दो उदाहरण केवल समास के हैं। इस प्रकार से केवल समास के बारे में हमने संक्षेप में जाना, क्योंकि सारे समासों के बारे में समझना और जानना बड़ा मुश्किल है, समय कम है, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं केवल अव्ययीभाव समास के
प्रधान सूत्र को लेकर के इसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो यह समझना है कि अव्यय भाव समास क्या है। इसके लिए कहा गया है कि प्रायेण पूर्वक पदार्थ प्रधानो अव्यय भावो द्वितीय, जिसमें प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, इस प्रकार का जो समास होता है उसको हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अर्थात हम समास के अंदर सामान्यतः दो पदों को मानते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद बाद वाला होता है। तो जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको ही हम अव्यय भाव समास कहते हैं। हम इस शब्द को अगर देखें तो यह शब्द भी स्वयं एक विशेष प्रकार की व्युत्पत्ति देकर के अपने अर्थ को प्रकट करता है। यह शब्द क्या कहता है कि अव्यय भाव समास क्या है? तो कहता है कि अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्यय भाव। अव्यय भाव समास वह समास है जहां पर किसी अव्यय के साथ में किसी संज्ञा पद का समास हुआ था, तो वह जो संज्ञा पद है वह भी साथ में मिल करके जब अव्यय बन जाता है, अर्थात दोनों पद मिल करके जो एक समस्त पद बनता है, वह पूरा समस्त पद फिर अव्यय बन जाता है। इस कारण से इस समास को हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अर्थात अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव, अर्थात जहां पर जो अव्यय नहीं था उसको भी जहां पर अव्यय बना दिया जाता है, इस प्रकार के समास को हम अव्यय भाव समास कहते हैं। और यह एक च्वि प्रत्यय का कमाल है, जो कि गृहस्थियों के संपत्ति कर्तृ च्वि इस सूत्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अर्थात जो च्वि प्रत्यय है उसमें जो ई है वह सानुनासिक है, इसलिए उपदेशे अजनुनासिक सूत्र के द्वारा उसकी इच संज्ञा हो जाती है और तस्य लोकस्य से उसका लोप हो जाता है। अब इसमें जो चकार है उसकी चुटु सूत्र से संज्ञा हो जाती है और तस्य लोकस्य से उसका भी लोप हो जाता है। अब एकमात्र वकार बचा, उसकी अपृक्त संज्ञा होगी। अपृक्त संज्ञा होने के कारण से वेर अपृक्त से सूत्र के द्वारा उस वकार का भी लोप हो जाता है, अर्थात इस सारे के सारे प्रत्यय का लोप हो गया। इसे सर्वापहारी लोप कहा जाता है इसको। तो अर्थात ये कैसे था, अव्यय च्वि भाव इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो यहां च्वि प्रत्यय का प्रत्यय को हमने प्रदान किया तो सारे के सारे प्रत्यय का यहां पर लोप हो गया और स्थिति बन गई अव्यय भाव, ये स्थिति बन गई। जो ये स्थिति बनती है अस्य च्वौ सूत्र जो है वह अव्यय के अंत में जो यकार में अकार है उस अकार को ई आदेश कर देता है, दीर्घ ई आदेश कर देता है। तो फिर क्या होता है अव्यय ई भाव, अर्थात यकार में जो अकार था वह तो निकल गया, उसके स्थान पर ईकार हमें प्राप्त हो गया है। तो अव्ययी भाव इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। सारे को सारे अक्षरों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा अव्यय भाव। ऐसी स्थिति में यहां पर स्व समोर सूत्र के द्वारा पुनः द्वय की और द्विवचनिक वचनिक सूत्र की सहायता से एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो अव्यय भाव सु इस प्रकार की स्थिति बनती है और सु में जो ऊ है उसकी भी उपदेशे अजनुनासिकी सूत्र से संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाता है। तो अव्यय भावस इस प्रकार का शब्द बनता है और उसमें जो सकार है अंत में उस सकार को ससो रू सूत्र के द्वारा रू आदेश प्राप्त होता है और जो रू है अर्थात अव्यय भाव रू इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। अव्यय भाव रू में जो रू में ऊ है उसकी भी उपदेशे अजनुनासिक सूत्र के द्वारा इस संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से उसका भी लोप हो जाता है। तो केवल रेफ मात्र अवशिष्ट रहता है, बचता है, अर्थात अव्यय भावर। अब यहां पर जो रेफ बचा है उसको यहां पर खर्वसानी और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्ग बना देते हैं, क्योंकि उसकी अवसान संज्ञा हो गई। अवसान संज्ञा होने के कारण से खर्वसानी और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा उसको हमने विसर्ग बना दिया तो बन गया अव्यय भाव। तो यह जो अव्यय भाव है जो पद है इस पद का अर्थ क्या है, अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्यय भाव है। जहां पर जो अव्यय नहीं था उसको भी जहां पर अव्यय बना दिया जाता है, ऐसे समास को हम अव्यय भाव समास कहते हैं। तो इस प्रकार से अव्यय भाव जो समास है उसकी खासियत जो है इस शब्द के अंदर भी निहित है, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा अव्यय भाव समास करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो खास बातें क्या है, एक बात तो यह है कि अव्यय भाव समास का जो समस्त पद बनता है
वह समस्त पद अपवाद को छोड़ करके बाकी सब जगह पर नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है, उसके रूप नहीं चलते। और दूसरी खासियत इसकी क्या है, अव्ययीभाव समास के अंत में कभी भी दीर्घ स्वर नहीं हो सकता। जो दीर्घ स्वर है तो उस स्वर को, दीर्घ स्वर को भी ह्रस्व आदेश होता रहता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो किसी समास के अंत में दीर्घ स्वर है तो वहां पर जैसे ओ है या औ है तो उसको ऊ आदेश हो जाएगा, या ए या आई है तो उसको ई आदेश हो जाएगा, इस प्रकार से ह्रस्व आदेश हो जाएगा। या बड़ा दीर्घ ये है जैसे नदी, ऐसा आ गया लास्ट में किसे उप नदी, ऐसा दी दीर्घ होता है तो वहां पर भी उप नदी, इस प्रकार से ह्रस्व आदेश हो जाएगा। तो अव्ययीभाव समास के अंदर इस प्रकार के कुछ सामान्य नियम है जिनको हमें समझ लेना चाहिए, जो समास करते समय आपको ध्यान में रखने हैं। अब प्रश्न उठता है कि अव्ययीभाव समास होता किस सूत्र से है। सामान्यतः अव्ययीभाव समास के अंदर अव्यय समास देने वाले दो ही सूत्र हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर। कौन से हैं? एक तो है सबसे जो प्रधान सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अर्थात अव्ययम एक तो यह पद है और दूसरा सप्तम्यंत पद है जो विभक्ति समीप आदि में आप के रूप में आप देख रहे हैं। तो अव्ययम तो क्या है कि प्रथमांत शब्द है, अव्यय है, और विभक्ति समीप इत्यादि वचनेषु तक जो है ये सप्तम्यंत है, इसके अंत में सप्तमी विभक्ति का भोजन का रूप है। अर्थात इसमें विभक्ति का मतलब विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी आदि ये सारी सात विभक्तियां होती हैं। इसी प्रकार से समीप अर्थात जो अव्यय है, वह अव्यय अगर ये जो अर्थ बताए गए हैं 16 अर्थ हैं, ये इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ को अगर अव्यय रखता है, उस अर्थ को रखने वाले उस अव्यय के साथ में किसी समर्थ सुबंत पद का समास हो जाएगा। लेकिन व्यर्थ कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि विभक्ति, अर्थात एक तो विभक्ति होनी चाहिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कोई भी विभक्ति हो। दूसरा समीप, उस अव्यय का अर्थ अगर समीप हो, निकट हो, तो भी वहां पर क्या होगा, उस अव्यय के साथ में किसी समर्थ सुबंध पद का समास हो जाएगा। इसी प्रकार से समृद्धि, समृद्धि का मतलब क्या होता है, सम्यक वृद्धि इति समृद्धि, जहां पर धन की संप्राप्ति हो, अनंत धन हो, वह समृद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार के अर्थ को रखने वाला जो अव्यय है उसके साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास हो जाता है। फिर है चौथा वृद्धि, विगता रिद्धि यस्मात् सा वृद्धि ही, जहां पर से रिद्धि यानी समृद्धि चली गई है, अर्थात रिद्धि का अभाव, रिद्धि का न होना, इस अर्थ में भी अगर कोई अव्यय होता है तो उस अव्यय के साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास हो जाता है। फिर अर्थाभाव, अर्थस्य भाव है, अर्थाभाव है, इस अर्थ में भी अगर कोई अव्यय होता है तो उसके साथ में भी समर्थ सुबंध पद का समास हो जाएगा। अत्यय, अत्यय का मतलब अतीत होना, भूतकाल की बात हो जाना, बीत जाना, इस प्रकार के अर्थ को भी अगर कोई अव्यय रखता है तो उसके साथ में भी समास की प्राप्ति हो जाती है समर्थ सुबंध पद के साथ में। और असंप्रति, न संप्रति इति असंप्रति, संप्रति न युज्यते इति असंप्रति, अनौचित अर्थ को रखने वाला, इस समय इस प्रकार के अर्थ को रखने वाला जो असंप्रति है शब्द है, इसके अर्थ को रखने वाला अगर कोई अव्यय होता है तो उसके साथ में भी समर्थ सुबंध पद का समास होता है। इसके अलावा शब्द प्रादुर्भाव यानी प्रसिद्धि, ख्याति, ख्याति के अर्थ को रखने वाला या प्रसिद्धि के अर्थ को रखने वाला अगर कोई अव्यय होता है तो उसके साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास होता है। पश्चात यानी बाद में, इस अर्थ को रखने वाला भी अगर कोई अव्यय होता है तो उसके साथ में भी अव्यय भाव समास की प्राप्ति होती है। और यथार्थ, यथार्थ के अर्थ को रखने वाले यानी यथाया अर्थ है, यथार्थ, यथा के अर्थ को रखने वाले भी जो अव्यय होते हैं उनके साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास प्राप्त होता है। और फिर है अनुपूर्व,
अनुपूर्वस्य भाव है अनुपूर्व्यम, अर्थात अनुक्रम 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार का जो क्रम है वही अनुक्रम कहलाता है। एक के बाद में दूसरे का होना, दूसरे के बाद में तीसरे का होना, ये अनुक्रम कहलाता है। उसका भाववाचक शब्द आनुपूर्व्य कहलाता है। तो आनुपूर्व्य के अर्थ में भी अगर कोई आज्ञा होता है तो उसके साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास होता है। और योगपद्य युग पता है भाव है, योगपद्यम युगपत यानी एक साथ होना, इसका भाववाचक शब्द है योगपद्यम। तो योगपद्य के अर्थ को रखने वाला जो शब्द जो आज्ञा होता है अगर वह है तो उसके साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास होगा और वह अव्यय भाव समास होगा। सादृश्य सदृशस्य भाव है सादृश्यम, समान होने का भाव, एक जैसा होना, इस प्रकार के अर्थ को रखने वाला अगर कोई अव्यय है तो उसके साथ में भी समर्थ सुबंध पद का समास होता है और वह अव्यय भाव समास होता है। और संपत्ति, संपत्ति का मतलब रूप मतलब है आत्मना अनुरूपता है, अर्थात आत्मानुरूपता स्वयं के अनुरूप इस प्रकार का भाव होना अगर होता है, अव्यय का अर्थ इस प्रकार का होता है तो उसके साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास होता है। और साकल्य सकलस्य भाव है साकल्यम, अर्थात संपूर्णता यानी पूर्ण पूर्ण एकदम पूर्ण होना, इस प्रकार के अर्थ को रखने वाला अगर कोई अव्यय होता है तो उस अव्यय के साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास होता है। और अंतिम जो अर्थ है वह है अंत, अगर किसी अव्यय का अर्थ अंत होता है तो उस अव्यय के साथ में भी किसी समर्थ सुबंध पद का समास होगा और उस समास को हम अव्यय भाव समास कहेंगे। इस प्रकार से अव्यय विभक्ति इत्यादि सूत्र ने यह कहा कि एक अव्यय के साथ में जब इन 16 प्रकार के विभक्ति समीप आदि जो अर्थ है इनमें से किसी भी अर्थ को अगर रखने वाला कोई अव्यय होता है तो उस अव्यय के साथ में किसी समर्थ सुबंध पद का समास हो जाता है और उस समर्थ उस समास को हम अव्यय भाव समास कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले निवेदन कर दिया कि वह जो समास है अव्यय भाव समास वह हमेशा अपवादों को छोड़ करके प्रायः नपुंसक लिंग और एक वचन में ही रहता है। कई विद्वान इस समास का योग विभाग करते हैं। योग विभाग का मतलब क्या होता है, एक ही सूत्र के दो सूत्र बना लेना। ऐसा क्यों, योग विभाग करने का प्रयोजन क्या है? तो योग विभाग करने का प्रयोजन यह है कि जो समास केवल 16 अर्थों में अव्ययों के होने पर ही प्राप्त हो रहा था, योग विभाग करने के बाद उन 16 अर्थों के अलावा भी अगर कोई दूसरा अर्थ रखता है अव्यय तो उस अर्थ के प्राप्त होने पर भी उस अव्यय के साथ में किसी समर्थ सुबंध का समास प्राप्त हो सकता है और उसे हम अव्यय भाव समास कहेंगे। इस प्रकार के अर्थ को देने के लिए यहाँ पर योग विभाग किया जाता है। अर्थात अव्ययम एक तो ये सूत्र बन जाता है और दूसरा विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि ये जो है दूसरा जो पद है यह भी एक अलग सूत्र बन जाता है। इस प्रकार से योग विभाग करने पर यह एक सूत्र दो सूत्रों में विभक्त हो जाता है और इस समस्त पद के अंदर जो कि दूसरा अव्यय भाव समास देने वाला सूत्र है उसमें द्वंद्व समास है, विभक्तिश्च समीपम च समृद्धिश्च वृद्धिश्च अर्थाभावश्च प्रत्ययश्च असंप्रति च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चात् च यथा च आनुपूर्व्यम च योगपद्यम च सादृश्यम च संपत्तिश्च साकल्यम च अंतश्चेति। इस प्रकार से यह शब्द बन जाता है वह अपने इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। और इसके अंत में वचन शब्द का प्रयोग किया है और द्वंद्व समास के अंत में अगर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए एक नियम है कि द्वंद्वान्ते श्रूयमानं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द होता है उस समास के अंत में प्राप्त शब्द का उस समास के सारे पदों के साथ में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो समस्त पद है इसका अगर हम समग्र रूप से समास करें तो पहले तो द्वंद्व समास उत्पन्न होता है और उसके बाद में मतलब विभक्ति इति साकल्यांता ते च ते वचना इति, यहां आकर के कर्मधार समास बन जाता है और तेषु इति या सप्तम्यंत पद बन जाता है।
तो द्वंद्व गर्भ कर्मधारय समास की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से इस शब्द को समझ लेने के बाद में और इस सूत्र के अर्थ को समझ लेने के बाद में यह एकदम निश्चित हो जाता है और इस सूत्र के बारे में यह तय हो गया कि सूत्र के योग विभाग करने पर दो सूत्र बन जाते हैं, एक अव्ययम, दूसरा विभक्ति समीप समृद्धि विद्यार्था भावात्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सात्रिश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये दूसरा सूत्र बन गया। इस प्रकार से दो जो सूत्र है वो सूत्र यहां पर बन गए हैं। यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि जो अव्ययी भाव समास है उसका वस्तुतः एक ही विग्रह होता है और उस विग्रह को हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। अगर हम लौकिक विग्रह उसका करते हैं तो वह लौकिक विग्रह वस्तुतः है, दूसरे समासों की तरह लौकिक विग्रह नहीं होगा, उसको हम कहते हैं अस्वपद विग्रह, अर्थात अपने पदों के अंदर विग्रह न हो पाना, अर्थात उस समास के अंदर जिन दो पदों का प्रयोग किया गया है उन दोनों पदों का जब समास विग्रह में हम प्रयोग करें तब तो वह होता है स्वपद विग्रह। अगर उन दोनों में किसी एक ही पद का हम प्रयोग करते हैं विग्रह के अंदर तब वह होता है अस्वपद विग्रह, अर्थात वहां पर एक पद का प्रयोग नहीं होता है अपितु उसके अर्थ का वहां विग्रह में प्रयोग किया जाता है। या ऐसा मान ले उस अव्यय के वह अव्यय जिस अर्थ में आया है उस अर्थ को वहां पर प्रकट करने वाला जो शब्द है उसको वहां पर अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर वह जो विग्रह होता है वह नित्य विग्रह या नित्य अलौकिक विग्रह कहलाएगा। और उसी के कारण से जो अव्ययी भाव समास है वह नित्य समास है, ठीक है। तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह यहां पर नित्य समास कर देता है, अलौकिक विग्रह के कारण से यहां पर नित्य समास हो जाता है। उदाहरण से इसको समझ लेना चाहिए, जैसे अधिहरि हरौ इति, यह लौकिक विग्रह है। इसमें मूल रूप क्या, मूल स्थिति क्या थी, हरि नी अधि, यह स्थिति थी हरि नी अधि। हरि में नी सप्तमी का एक वचन का प्रत्यय है और अधि अव्यय है, अधि यहां पर उस विभक्ति के अर्थ में प्राप्त है। तो जब हमने उसका लौकिक विग्रह किया तो लौकिक विग्रह में हमने विभक्ति उसके साथ में लगा दी हरि के साथ में, तो हरौ ये सप्तमी का एक वचन का रूप है, या फिर अधि को रखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अधि विभक्ति के अर्थ में आया था और उस विभक्ति को हमने हरि शब्द के साथ में लगा दिया है। इस कारण से यहां पर लौकिक विग्रह जब हम करते हैं तो अस्वपद विग्रह होता है, अर्थात दोनों पदों का वहां पर प्रयोग नहीं होता है, एक पद जो है अपने अर्थ को ही लेकर के वहां पर उपस्थित होता है, इसलिए यहां पर नित्य समास बनता है, ये यहां पर बताना आवश्यक था। इस प्रकार से एक प्रश्न फिर उठता है कि जब अव्ययी भाव समास की प्राप्ति होती है, अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वहां पर जैसे अधि नी हरि, हरि नी अधि इस प्रकार की स्थिति है और अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो गई और उसके बाद में प्राकृतिक संज्ञा हो गई, सुप का लोप हो गया, फिर प्रश्न उठता है कि हम इन दोनों पदों में से किस पद को पूर्व पद के रूप में रखें और किस पद को उत्तर पद के रूप में रखें। तो इस प्रकार की शंका होने पर यहां पर दो सूत्र जो है यहां पर महर्षि पाणिनि ने उपस्थित किए हैं। पहला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये संज्ञा सूत्र है अर्थात नामकरण करने वाला सूत्र है, यानी उपसर्जन संज्ञा देने वाला सूत्र है, किसका नाम उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन होगा, इस कारण से इसको हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। इसमें तीन शब्द है, प्रथमा निर्दिष्टम, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है नपुंसक लिंग का, और समासे यहां पर सप्तमी का एक वचन का रूप है, और उपसर्जनम यह प्रथमा का एक वचन का रूप है नपुंसक लिंग का। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि प्रथमा निर्दिष्टम, जो प्रथमा विभक्ति है उसके द्वारा जो निर्दिष्ट है ऐसा जो पद होता है समासे समास होने पर उपसर्जनम उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाए, अर्थात समास का विधान करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र में जो प्रथमांत शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, जैसे आपने अभी सूत्र पढ़ा समझा
अव्ययम विभक्ति इत्यादि दो सूत्र दो पद है उसमें, तो उसमें अव्ययम एक पद है वह प्रथमांत और विभक्ति समीप इत्यादि जो लास्ट में जाकर के वचनांत है वो सप्तम्यंत है। तो इन दोनों में जो अव्ययम जो प्रथमांत है उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है, अव्ययम निर्दिष्ट हो रहा है। तो समाज के अंदर जो अव्यय है वह अव्यय इस प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्ट हो रहा है, जिस प्रकार से अधि हरि नी अधि यहां पर इन दोनों के अंदर अव्यय कौन है, अधि अव्यय है। तो अव्ययम शब्द के द्वारा वह चूंकि सप्तमी विभक्ति के रूप में वहां पर प्रस्तुत हुआ है, अव्यय है, इसलिए अव्ययम शब्द के द्वारा वह निर्दिष्ट हुआ, तो उसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा हो गई है। और जो ही उपसर्जन संज्ञा होती है तो एक अगला सूत्र प्रवृत्त होता है उपसर्जनम पूर्वम। यह सूत्र क्या कहता है कि जिस सूत्र को हमने उपसर्जन संज्ञा प्रदान की है उसका समास के अंदर पूर्व में निपात कर देना चाहिए, अर्थात उसको पहले रख लो। तो क्या हुआ, अब अधि पहले आ गया, अधि हरि नी ये स्थिति बन गई। अब यहां पर प्रातिक संज्ञा सुप का लोप है और फिर दोनों का मिलन और फिर एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से पुनः प्रातिक संज्ञा सुप की प्राप्ति सु का रुंत विसर्ग होकर के और अधि हरि ये स्थिति बनती है। और फिर अव्यय भाव सूत्र के द्वारा इसको अव्यय भाव संज्ञा प्राप्त होती है और अव्यय संज्ञा जो ही प्राप्त होती है त्यो ही वहां पर अव्यात आप सुपा सूत्र के द्वारा जो सु है उसका लोप हो जाता है और अधि हरि इस प्रकार का अव्यय भाव समास के अंदर ये रूप सिद्ध हो जाता है। ये समस्त पद है अव्यय भाव समास का एक उदाहरण। तो इस प्रकार से जो हमारे पांच समास हैं उन पांच समासों में से केवल समास और अव्यय भाव समास इन दो समासों के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया गया है। और केवल समास तो पूरा हो गया लेकिन अव्यय भाव समास का थोड़ा सा जो सिद्धि का प्रकरण था उसको मैं बता पाया था, बाकी का कभी अगले सत्र में अवसर मिलेगा वहां पर हम स्पष्टीकरण करेंगे। क्योंकि समय हो रहा है, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो व्याख्यान था उससे आप सब संतुष्ट हैं और कभी अन्य अवसर पर जब आप हम मिलेंगे उस अवसर पर पुनः प्रश्नोत्तर की परंपरा भी रहेगी और आप सबका जो मार्गदर्शन मिलेगा वह भी मैं अपनाऊंगा। आप सबका पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अपने स्थान को ग्रहण करता हूं। नमस्कार।